दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। मार्च के महीने में वित्तीय वर्ष की समापन कार्रवाई में जुटी विद्युत कंपनी बिजली के बकायादारों पर सख्त कदम उठा रही है, चाहे आम नागरिक हो या फिर वह संस्था ही क्यों ना हो जिसके प्रशासक स्वयं कलेक्टर हैं। सभी पर वसूली के लिए विद्युत कंपनी की सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। छतरपुर नगरपालिका भी विद्युत कंपनी की लगभग 3.25 करोड़ रुपए की बकायादारी को समय पर नहीं चुका पाई, इसलिए बिजली कंपनी ने शुक्रवार को नगरपालिका कार्यालय का कनेक्शन काट दिया। पिछले 2 दिन से कार्यालय के कर्मचारी टॉर्च जलाकर काम कर रहे हैं। विद्युत कंपनी ने 2 महीने में दूसरी बार नगरपालिका का कनेक्शन काटा है। विद्युत विभाग के DER के पाठक ने बताया कि छतरपुर नगरपालिका के द्वारा विद्युत कंपनी से 2 तरह के विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। एक LT लाइन है जिसके जरिए पूरे छतरपुर की स्ट्रीट लाइट जलती है। नगरपालिका को LT कनेक्शन का 1.24 करोड़ चुकाना है, जबकि दूसरी HT लाइन है जिसके अंतर्गत फिल्टर प्लांट जैसे बड़े यंत्र संचालित होते हैं। इसके कनेक्शन का नगरपालिका को लगभग 2 करोड़ रुपए बकाया देना है। कुल मिलाकर लगभग 3.25 करोड़ रुपए नगरपालिका से अब भी प्राप्त होने हैं। उधर नगरपालिका CMO ओमपाल सिंह भदौरिया बताते हैं कि हम लगातार विद्युत विभाग को हर महीने बड़ी धनराशि दे रहे हैं। सितंबर से अब तक 2.54 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर चुके हैं। सिर्फ मार्च में ही 3 बार भुगतान किया जा चुका है। जितना बकाया बचा है उसके लिए कुछ दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। कार्यालय का कनेक्शन काटना ठीक नहीं है। शनिवार को नगरपालिका कार्यालय में बिजली सप्लाई बंद थी। इस दौरान नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कक्ष में बिजली सप्लाई चालू रही, जबकि शेष कार्यालय में बिजली बंद थी। कुछ देर तक नगरपालिका के कर्मचारी जनरेटर चलाकर काम चलाते रहे, लेकिन जब जनरेटर भी जवाब दे गया तो कर्मचारियों ने अंधेरे में काम चलाया और टॉर्च की रोशनी से काम होता रहा। देखिए, मार्च का माह है, हम शुरू से उनसे निवेदन करते रहे हैं। यह राशि काफ़ी बढ़ गई थी, 1.24 करोड़ करीब बकाया राशि थी हमारी LT में। ST का तो अलग है, उसमें कई बार चर्चा हुई, कुछ पैसा उन्होंने दिया था हमको पिछले महीने में। तो निवेदन किया था तो उन्हें अपनी असमर्थता जाहिर की, और जैसा कि दबाव बढ़ा हुआ हम लोगों के ऊपर कि राजस्व वसूली हर हालत में होना ही होना है, इस अपेक्षा के साथ कि इसमें पैसा हमें मिलेगा, हमने कल उनका एक फेस की सप्लाई बंद करवाई है। आज नगर पालिका द्वारा 37 लाख रुपये हमको दिया गया है और शेष राशि आगे 31 तारीख को दिए जाने के लिए उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, तो सप्लाई चालू करवाने के लिए हमने निर्देश दे दिया।